वेलकम वेलकम मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों को आफरीन का सलाम। आइए देखते हैं आज क्या बनने वाला है मेरे किचन में। ये देखिए हरी मिर्ची का अचार ग्रीन चिल्ली पिकल बनने वाली है। हरी मिर्ची वाली अचार ग्रीन चिल्ली पिकल तैयार होने वाली है। अब देखते हैं, ग्रीन चिल्ली लेना है 1 kg और देखिए पानी नहीं ये तेल है। मैं इसको सिम पे फ्राई करी हूँ क्योंकि ये उछल जाएगी फेस पे और हमारा फेस खराब हो जाएगा, इसलिए हम लोग थोड़ा सिम पे ही फ्राई करना है। थोड़ा सा सॉल्ट डालना है, फिर देखिए ये ग्रीन चिल्ली अच्छे से फ्राई करना है। ग्रीन चिल्ली को कट बिठाना है तो अंदर ऑयल जाके अच्छे से फ्राई हो जाएगी। फिर देखिए ये अचार आप लोग जरूर ट्राई करना, इंस्टेंट है, जबरदस्त है, जरूर ट्राई करना। ये हो गई है हमारी ग्रीन चिल्ली फ्राई। फिर बाजू में एक बाउल में ले लेंगे और देखिए 100 ग्राम ऑफ राई ले लेंगे और इसको रोस्ट करके कूल कर रहा है। नेक्स्ट जीरा ले लेंगे 50 ग्राम, फिर इसको भी हॉट करना है, थोड़ा बहुत रोस्ट करके कूल करके इसको ग्राइंड करना है। ये देखिए नो ग्राइंड नहीं हो गए, फिर ग्राइंड करके अरे जबरदस्त पिस गए नो। नेक्स्ट बारी आती है लहसुन की, 4-5 लहसुन लेना है और देखिए ऐसे पेस्ट करना है और इसमें ग्रीन चिल्ली में डाल देना है। फिर ये मसाला कूल होए बाद इसमें ऐड करना है। कच्ची इमली को छिलना है, जबरदस्त बातें करते करते छिलना हो गया है, फिर इसको भी ग्राइंड करके इसमें मिला देना है। ऐसे थोड़ा बहुत सॉल्ट डालना है, आपके टेस्ट के हिसाब से सॉल्ट डाल दीजिए। और कलर थोड़ा कम दिख रहा इसलिए एक चुटकी भर टर्मरिक पाउडर हल्दी पाउडर डाल दी हूँ। इनो मिक्स नहीं हो रहे, थोड़ा बहुत ऑयल जो हम लोग फ्राई करें ना ग्रीन मिर्ची, उसका ऑयल इसमें ऐड करी हूँ और देखिए अच्छे से मिक्स हो गए नो। वही पैन में थोड़ा बहुत ऑयल बचाना है, इसमें जीरा और राई 1 स्पून डालना है, करी लीव्स भी ऐड करना है, फिर सूखी मिर्ची भी ऐड करना है और इसको तड़का लगाना है, बगाड़ देना है। और देखिए आप लोग इंस्टेंट अचार बनकर तैयार हो गया हमारे घर में। ये देखिए आज ही नहीं खाना, नेक्स्ट दिन खाना है, ऑयल अब्सॉर्ब होके ऊपर आता है और ये गरम गरम खाने में जबरदस्त ऐसे लगा के खाना है, पूरी अचार खत्म हो जाएगी लेकिन दिल नहीं भरेगा, ऐसे हो जाता हमारे साथ। ये देखिए मैं थोड़ा बहुत ट्राई करी हूँ, अब नेक्स्ट समर में बहुत सारा डाल के सबको शेयर करूंगी इंशाल्लाह। ये देखिए कच्ची इमली की अचार तो जबरदस्त रहेगी, अब आप लोग भी ट्राई करिए और घर में टेस्ट बताइए। आप लोग को ये रेसिपी बहुत पसंद आ गई शायद, और आप लोग घर में भी ट्राई करिए और घर वालों को भी खिलाइए, उन लोग को भी बहुत पसंद आएगी। जी इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज, मिलते हैं अगले वीडियो में, दुआ में खास ख्याल।